बिहार चयन आयोग का प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में गड़बड़ी का मामला आया सामने। खगड़िया के 3 केंद्रों से कई कॉपियां गायब। पटना, पिछले 4 साल में राजधानी समेत पूरे जिले में हत्या व अन्य संगीन वारदातों में शामिल हर थाने के टॉप 10 अपराधियों की बन रही है सूची। थानेदार से लेकर सिटी एसपी तक लिस्ट बनाने में जुटी। पटना में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के रिश्तेदार और 3 इंजीनियर शराब के नशे में धुत धराए। मामले की कार्रवाई राजधानी के हड़ताली मोड़ के पास की गई। पटना, वाणिज्य विभाग के अन्वेषण ब्यूरो का बड़ा खुलासा। हरियाणा के 4 कारोबारियों का बिहार में फर्जीवाड़ा। बिना व्यापार के जीएसटी में 214 करोड़ की हेराफेरी। गोपालगंज, तेज रफ्तार के ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, इलाज के दौरान मौत। मामला NH-28 पर मांझा थाना क्षेत्र के दानापुर गांव की है। मृतक की पहचान लगन देवगिरी के रूप में की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि जनता का साथ कोई महागठबंधन नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए बिहार संकल्पित। आंध्र से बिहार में आने वाली मछली पर रोक का फैसला 14 जनवरी को लिया जाएगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में तैयारी कर रही है। आंध्र से आने वाली मछलियों पर अधिक फॉर्मेलिन पाई गई थी। केंद्रीय मंत्री और लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान की बेटी आशा पासवान अपने ही पिता के खिलाफ खोला मोर्चा। रामविलास पासवान के अंगूठा छाप करने के बयान पर धरना पर बैठेंगी। उपेंद्र कुशवाहा के रोड शो में गुंडागर्दी, महिला अभ्यर्थियों के साथ बदसलूकी। पटना, तेज रफ्तार का कहर। पालीगंज के इलाके में कोचिंग जा रही एक युवती की ले ली जान, वही भाई गंभीर रूप से घायल। घटना पालीगंज के रानी तालाब के NH-129 की है।